कहते हैं यहाँ पर बाबा साहब के बारे में। आध्यात्मिक अनुभव बाबा साहब के जीवन में यहाँ से आए, भारत में परिवर्तन की धारा यहाँ से शुरू होती है। इसे नाम दिया गया है धम्म क्रांति। जब शतकवी जयंती बाबा साहब की थी, सुवर्ण जयंती जब हम मनाए, तब यहाँ पर एक विशाल ऐसा स्तूप होना चाहिए, ऐसा पेड़ के नीचे जाकर बाबा साहब ने संकल्प किया, दोहरा सके, स्तूप द्वारा हम अनुभव कर सके। हम ये जो बात है तो बड़ौदा की बात है, आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब बड़ौदा में राजा सहजराव गायकवाड़ इनके यहाँ पर नौकरी गए थे, और वहाँ पर भोती बाबा साहब को छुआछूत के बहुत ही खराब ऐसा अनुभव आया। तो भंते कहते हैं कि वो जो जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने आम के झाड़ तले खूब रोए थे और वहां पे संकल्प किया था बाबा साहब, भंते कहते हैं कि वहां पर एक बहुत भारी स्तूप होना चाहिए, बड़ा स्तूप होना चाहिए कि हर किसी को आते वक्त बाबा साहब की याद आए। स्तूप के द्वारा हम अनुभव कर सके, ऐसा बोलते हैं कि वहां स्तूप बड़ा भारी होना चाहिए। जैसा बताते हैं भगवान बुद्ध के जीवन में चार महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल, उनका बुद्धत्व की प्राप्ति बोधगया बिहार, उनकी प्रथम धम्म देशना सारनाथ, उनका महापरिनिर्वाण कुशीनारा में। इसी प्रकार बाबा साहब के जीवन में चार महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में, उनका सम्यक संकल्प बड़ौदा गुजरात, उनकी दीक्षा नागपुर महाराष्ट्र दीक्षा भूमि, और उनका महापरिनिर्वाण चैत्य चैत्य भूमि मुंबई। बाबा साहब के जीवन में भारत में गौरवपूर्ण जगह संकल्प भूमि, बहुत कम लोगों को भारत में इस जगह के बारे में जानकारी होगी। तो भंते संरक्षित कहते हैं कि सही में ये हमें ग्रहणशीलता से उस पे लेना है। जैसे बुद्ध के चार स्थल है, वैसे बाबा साहब के भी चार स्थल हमें भूलना नहीं चाहिए। ये ग्रहणशीलता में आता है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, भंते के अनुयायी हैं, तो हम ये चार स्थल किसी ने भी नहीं भूलना चाहिए। ये ग्रहणशीलता की बात है, और हम सही में अगर ये भूल गए तो हम ग्रहणशीलता के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ग्रहणशीलता आपको मालूम है कि ग्रहणशीलता कैसे बढ़ती है, जय सिटिंग के द्वारा। और जो हम ग्रहणशीलता से रहेंगे तब हमें बाबा साहब हमारे दिल में जीवित रहेंगे, बुद्ध भी हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, और भंते संगरक्षित भी हमारे जरे से जिंदा रहेंगे। तो ये जे सिटिंग हम केवल बैठ के कर सकते हैं,
किसी आलंबन नहीं है, सिर्फ आंखें बंद कर कर जो मन की आंखें है उस आंखों से देखना है। जैसे बादल आते हैं जाते हैं, वैसे हमारे यहाँ दिल में विचार आते हैं जाते हैं, किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, हम पकड़ कर नहीं बैठ सकते। और हम जब पकड़ कर बैठेंगे तो हम जे सिटिंग नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी विचारों को पकड़ना नहीं है। और जब हम इस जे सिटिंग में पूरा उतरेंगे तो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता हमारे में रहेंगी, और ये बाबा साहब के चार स्थल और बुद्ध के चार स्थल, ये जो ग्रहणशीलता से हमें उस पर कार्य करना है और देखना है। जैसा हम ध्यान करते हैं आनापान सति हो या मेता भवन, उसी तरह हमें बैठना है, हमारा कुशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, यह हमारी कमर का जो ऊपर का हिस्सा है वो सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हमारा सर सीधा होना चाहिए। और इसी तरह हम बैठकर केवल 10 मिनट हम जे सिटिंग करेंगे, ठीक है बोधि प्रकाश जी? आपका माइक बंद है, 10 मिनट चलेगा? यस यस चलेगा।